अटैक में जॉन अब्राहम देश को बचाने वाली वन मैन आर्मी है। सत्यमेव जयते, रोमियो अकबर वाल्टर, रॉकी हैंसम, फोर्स दो और मद्रास कैफे में उन्होंने यही काम किया। क्या यह देजा वू है? केवल उनके प्रशंसक असहमत हैं। जॉन ने अपने करियर की शुरुआत एक जिस्म होपफुल रोमांटिक 2003 के रूप में की थी। साया और पाप जैसी फिल्मों के साथ बॉलीवुड में लॉन्च होने से पहले वो एक शीर्ष मॉडल थे। उन्होंने धूम के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गरम मसाला और दोस्ताना जैसे रोम कॉम की कोशिश की, जिससे उन्हें अपना तराशा हुआ शरीर दिखाने का मौका मिला। 2011 जॉन के लिए बदलाव का साल था। साथ खून माफ, फोर्स और देसी बॉयज उनकी तीन रिलीज थी। मान लीजिए कि वो प्रशंसकों को अपना अगला कदम तय करने दे रहा था। रोमांस से लेकर एक्शन से लेकर ह्यूमर तक जॉन का मुख्य आधार एक्शन था। जॉन अब भारत को बचाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस प्रमुखों तक जाने वाले हैं। अपने कवच से पहले उन्हें एक एकांत जीवन जीने का चित्रण किया गया है। फिल्म के संगीत एल्बम को जारी रखने के लिए कुछ प्रेम कहानियां डाली जाती हैं, भले ही एक्शन पैक्ड प्लॉट को रोमांस की आवश्यकता न हो। जॉन ने एसीपी संजय कुमार की भूमिका निभाई, जो इसी नाम की फिल्म से डीसीपी संजीव कुमार के बाद तैयार किया गया था। रॉकी हैंसम में भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक कबीर अहलावत पर, मद्रास कैफे श्रीलंकाई गृहयुद्ध और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से प्रेरित था, जबकि परमाणु पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षणों से प्रेरित था। धीरे धीरे जॉन ने खुद को एक सच्चे नायक कलाकार के रूप में स्थापित कर लिया है। जॉन 10 पुरुषों को मुक्का मार सकता है, अकल्पनीय वस्तुओं को उठा सकता है और यहाँ तक संगीत की ताल पर प्रतिद्वंद्वी को लात भी मार सकता है। वह देसी हल्क है। नहीं, मैं नहीं हूँ। जॉन एक्शन अवतार मीम से हैरान है। उन्होंने एक मीम भी साझा किया जहाँ वो हरे रंग की चमड़ी वाले हल्क हैं, जो उनके सुपरहीरो की सूची में शामिल हैं। अगर केवल मार्वल जानता था। जॉन का एक वफादार अनुयायी है। उन्हें ऐसे निर्माता भी मिले हैं जो उन पर देश का एकमात्र बचावकर्ता होने का भरोसा करते हैं, जो गोलियों, घूंसे लेंगे और बम विस्फोट या वायरल हमले से बचे रहेंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो सिल्वेस्टर स्टैलोन, ब्रूस विलिस, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और द रॉक हैं। फिल्म में हमने उस मानसिकता को बनाए रखने की कोशिश की थी, एक्शन की नहीं।